एक बात बताओ तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बी प्राक और अक्षय कुमार पाजी के न्यू सॉन्ग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही है कि अभी इनके न्यू सॉन्ग का टीजर रिलीज हुआ है फिलहाल टू। तो दोस्तों, आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अभी तो इस सॉन्ग का सिर्फ टीजर ही रिलीज हुआ है। वहीं दोस्तों, अगर हम इस सॉन्ग के बारे में बात करें तो आपको बता दो कि अक्षय कुमार पाजी के साथ साथ आपको इसमें नूपुर सनेन भी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, काफी ज्यादा मजा आने वाला है फैंस को। दोस्तों, आपको बता दो कि इस सॉन्ग के टीजर को आउट कर दिया गया है, आप लोग भी जाके जरूर देख सकते हैं। देसी मेलोडीज से आउट हुआ है इस सॉन्ग का टीजर। दोस्तों, अगर हम इस सॉन्ग के टीजर के बारे में बात करें तो आपको बता दूं कि इस सॉन्ग के टीजर को रिलीज किए हुए 3 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं और इस टीजर को काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। अगर हम इस सॉन्ग के व्यूज के बारे में बात करें तो आपको बता दूं कि इस टीजर को 14 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज मिल चुके हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि अक्षय कुमार पाजी के हर एक सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा व्यूज मिलते हैं। आपको तो पता ही है कि बी प्राक पाजी के फैंस इतने ज़्यादा इनके फिलहाल टू सॉन्ग का वेट करे थे और फैंस का भी काफ़ी लंबे समय से इंतजार था कि फिलहाल टू सॉन्ग बहुत ही जल्द आया। तो दोस्तों, समझ जाओ कि ये सॉन्ग भी कई सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। दोस्तों, अगर हम इस सॉन्ग की फुल वीडियो के बारे में बात करें तो आपको बता दूं कि ये सॉन्ग 6 जुलाई को फुल वीडियो के साथ देसी मेलोडीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग देखना मत भूलना। आपको बता दूं कि ये सॉन्ग आपको 6 जुलाई को 3 बजे देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, 3 बजे की डेट याद रखना और इस सॉन्ग को इतना ज़्यादा वायरल कराना कि ये सॉन्ग बहुत ही सारे नए रिकॉर्ड बना दे। तो दोस्तों, हम तो यही चाहेंगे कि यार आप लोग बी प्राक पाजी, अक्षय कुमार और नूपुर सेनन के सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा प्यार देना और पहले की तरह इस सॉन्ग को इतना ज़्यादा वायरल कराना। और आप दोस्तों, आपको बता दूं कि इस सॉन्ग के लिरिक्स को फिर से जानी ने लिखा हुआ है। आपको तो पता ही कि फिलहाल सॉन्ग के भी लिरिक्स को जानी ने लिखा हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था फैंस को। वहीं देखते हैं कि ये सॉन्ग कैसा होने वाला है और फैंस का क्या रिएक्शन होने वाला है। तो दोस्तों, हम तो यही चाहेंगे कि यार आप लोग इनके इस सॉन्ग को इतना ज़्यादा वायरल कराना कि ये सॉन्ग कई दिनों तक यूट्यूब की टॉप ट्रेंडिंग में चलता रहे।